प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी बसंत का अध्याय 1 ध्वनि कविता। ध्वनि कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपने मन की आवाज पर आधारित एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब दिया है, उनकी धारणा को गलत सिद्ध किया है, जो ये मानते हैं कि कवि का कविता करने का ढंग प्रभावशाली नहीं रहा। दूसरा, साथ ही कविता में कवि ने आलस्य में खोए रहने वाले व शांत भटके युवकों को प्रेरित करने की भावनाओं से ओतप्रोत अपनी कविता के विषय में बताया है और इसके लिए उन्होंने बसंत ऋतु का सहारा लिया कि जिस तरह से बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां सभी कोमल होते हैं और हर साल नए परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने युवावस्था के लोग हैं उनसे कहा है कि आलस्य और बुरे मार्ग को छोड़कर हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अनुभव करना चाहिए और उन कठिनाइयों का हमें जीवन में निराकरण भी ढूंढना चाहिए। इसी में आगे आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता के तीसरे भाग में कवि क्या कह रहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, वे हैं मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। यहां पर पुष्प का मतलब है फूल, तंद्रालस का मतलब है आलस्य छोड़ना या नींद से जागना, लालसा का मतलब होता है इच्छा, नव का मतलब नईम, सहर्ष का मतलब है प्रसन्नता के साथ और द्वार का मतलब है दरवाजा, अनंत का मतलब है जिसका अंत न हो। इन दोनों पदों में कवि ने बताया, कवि कहता है कि जैसे बसंत कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उन्हें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, अर्थात जिस तरह से बसंत से पूर्व पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, लेकिन बसंत ऋतु जब आती है तो वह अपने आकर्षण से, अपने प्रभाव से उन पेड़ पौधों पर वापस कलियां खिला देता है, नए पत्ते ला देता है, पुष्प ला देता है। ठीक उसी समय कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, लेकिन अगर उनका हम डटकर मुकाबला करें तो हमारे जीवन में नव संचार हो सकता है। उसी प्रकार वह भी प्रत्येक युवक में आशा का संचार करके उनके मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह भर देता है। वह उनमें नव जीवन भरकर भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, यानी उनके भविष्य उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है, उनमें नया जीवन डालकर जिससे वे बसंत की भांति अंतिम समय तक अपनी शोभा बिखेरते रहे, अर्थात यशस्वी, तेजवान, बुद्धिमान, प्रतापवान, शक्तिशाली बने रहे। इस प्रकार वह उन युवाओं और अपनी कविताओं के रूप में सदैव जीवित रहेगा, उसका अंत अभी नहीं होगा। मतलब कवि कठिनाइयों से भागने वालों में
एक बहुत अच्छा संदेश दिया, युवकों को आगे बढ़कर काम करने का संदेश दिया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस कविता से जुड़े अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।